नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र सहरा। आज के वीडियो में हम सभी मेजर स्केल हारमोनियम पर बजाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे इन सभी मेजर स्केल की प्रैक्टिस अभ्यास कैसे करना है। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और संगीत से जुड़ी सभी जानकारियां आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, सभी मेजर स्केल का चित्र मैंने आपको वीडियो में दे दिया है, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने सभी मेजर स्केल का अभ्यास कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने किसी भी स्केल को अगर बजाना है तो बिल्कुल धीरे बजाना है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम सी मेजर स्केल बजा रहे हैं, शुरू में इसको आपने बिल्कुल स्लो स्लो बजाना है ताकि आपके फिंगर को पता चल जाए कि कौन सा नोट कहां पर है और फिर आप उसको फास्ट बजा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने बजाया सी का मेजर स्केल, अब हम बजाएंगे सी शार्प मेजर स्केल। देखिए, चार पांच बार आपने स्लो बजाना है फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड फास्ट करनी है। तो दोस्तों, अब हम बजाएंगे डी मेजर स्केल। तो दोस्तों, अब हम बजाएंगे डी शार्प मेजर स्केल। तो दोस्तों, अब हम बजाएंगे ई मेजर स्केल। सारे स्केल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से चित्र में दे दिए हैं, आप चाहे तो वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर देखकर भी बजा सकते हैं। अब हम बजा रहे हैं दोस्तों ई मेजर स्केल। अब हम बजाएंगे एफ मेजर स्केल। अब हम बजाएंगे एफ शार्प मेजर स्केल। अब हम बजाएंगे जी मेजर स्केल। अब हम बजाएंगे जी शार्प मेजर स्केल।
अब हम बजाएंगे ए मेजर स्केल। अब हम बजाएंगे ए शार्प मेजर स्केल। आप इसको यहां से भी बजा सकते हैं। अब हम बजाएंगे बी मेजर स्केल। ये सभी मेजर स्केल हमने आज हारमोनियम पर बजाना सीखा। ऐसे ही इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में आपने इसको धीरे धीरे बजाना है। जब आपकी फिंगर सेट हो जाती हैं, उसके बाद आप इसको फास्ट बजा सकते हैं। इस प्रकार ये स्केल आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपकी फिंगर भी स्मूथली चलने लग जाएंगी। इन सभी मेजर स्केल का चित्र मैंने आपको पूरे वीडियो में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर वहीं से देखकर आप बजा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सभी परेशानियों को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, ताकि मैं और नए नए वीडियो और नई नई जानकारियां आपके लिए जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो देखते रहिए मेरे सभी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।